Hello friends, this is Raj Daima and you are watching Daima English Classes. Friends, इस वीडियो में हम abbreviated forms और short forms के बारे में जानकारी करेंगे. Generally, बहुत सारे videos YouTube पर मैंने देखे, उनमें abbreviated forms और short forms के बीच में जो confusion था, वो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक video इसी पर बना दिया जाए. सबसे पहले हम short forms की बात करते हैं. पूरा वर्ड नहीं लिखते और उसके तीन या चार जो शुरू शुरू के लेटर्स होते हैं वो लिख देते हैं, तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है. जैसे हम डॉक्टर को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये डी आर, जनरली डी आर लिखा जाता है, या फिर डी ओ सी लिख देते हैं तो डॉक इस तरह से हो जाता है. मोबाइल को एम ओ बी ये शॉर्ट में लिख देते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है. सेकेंडरी को एस ई सी यानी कि सेक लिखा जाता है. इसी तरह से टेक्नोलॉजी को टेक लिखा जाता है. जनरली शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है किसी फुल कंप्लीट वर्ड को शॉर्ट में लिखना, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट हम एब्रीविएटेड फॉर्म्स की बात करते हैं, एब्रीविएशन की. तो इसमें एब्रीविएटेड फॉर्म्स में टू वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो उसके फर्स्ट लेटर को हम ले लेते हैं, जैसे हेडमास्टर, हेडमास्टर में फर्स्ट लेटर हेड का एच ले लिया और मास्टर का एम ले लिया, तो इस तरह से हेडमास्टर की एब्रीविएटेड फॉर्म हो जाती है एच एम. इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को अगर हम लें तो इसमें भी टू वर्ड्स है, एक तो प्राइम और एक मिनिस्टर, तो प्राइम में से हम पी ले लेते हैं और मिनिस्टर का एम ले लेते हैं तो एब्रीविएटेड फॉर्म बन जाती है पी एम. इसी तरह से चीफ मिनिस्टर की एब्रीविएटेड फॉर्म हो जाएगी सी एम. इसी तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एम एल ए, इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म ये हो जाती है. यानी कि फुल वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हम लिख देते हैं. जनरली ये कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं, शॉर्ट फॉर्म में सारे लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल में नहीं लिखे जाते, लेकिन एब्रीविएटेड फॉर्म जो होती है उसमें कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. जनरली एग्जामिनेशंस में ये पूछा भी जाता है कि एब्रीविएटेड फॉर्म, इसका फुल फॉर्म बताइए. जैसे एच आई वी है, साइंस की जो क्लासेस होती हैं या साइंस के जो कंपटीशन होते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है एच आई वी की फुल फॉर्म बताइए, तो ये एब्रीविएटेड फॉर्म होती है एच आई वी. ह्यूमन एड्स की जैसे ए आई डी एस, इसकी शॉर्ट, ये एब्रीविएटेड फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होती. एब्रीविएटेड फॉर्म्स में सारे लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं. यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे एब्रीविएटेड फॉर्म, नोट मेकिंग का कोई टॉपिक था, तो नोट मेकिंग में एब्रीविएटेड फॉर्म्स होने चाहिए. बहुत सारे फूल होते हैं, गुलाब होते हैं, यूँ कन्फ्यूजन में ना रहें. वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.